हाँ, अब बहुत सारे लोगों को ना आजकल ना दिमाग में दौरा पड़ रहा है, ठीक है, अब दिमाग में दौरा पड़ रहा है, अब हमें दौरे का मेडिसिन तो देना ही है, नहीं ये तो पढ़ते रहेंगे तो देना ही पड़ेगा, पर दौरे का मेडिसिन देने से क्या दिमाग ठीक होगा? नहीं, दिमाग को रेस्ट मिलेगा, कि दौरा पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो डैमेज होते रहेंगे, तो दिमाग का दौरे का मेडिसिन देंगे तो दौरे के कारण जो डैमेज हो रहे वो नहीं होगा, दिमाग को रेस्ट मिलेगा। दौरा नहीं होना, दौरा होएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो मेन चीज़ है, दौरा होने के टाइम पे मान लो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहे है, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, कहीं साइकिल ड्राइव कर रहे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, कहीं नल से पानी निकाल रहे हैं नल पे गिर सकता है, चोट लग सकता है, ठीक है, अगर मानो खाना खा रहे हैं ये खाना चेस्ट में जा सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो मेनली दौरे का मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसके टाइम पे जो कर रहे हैं वो ज़्यादा रिलेटेड होता है, कि अंदर इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। बेसिकली दौरे के कारण किसी को डेथ जैसा ये नहीं होते, हाँ दौरे का अंडरलाइन कारण के कारण डेथ हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेन को बचाने का मैं बता दूंगा, दौरे का मेडिसिन सारे डॉक्टरों को पता है, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे पता होता है। अब दौरे का कारण के बेसिस में हम दौरे को ब्रेन के रिलेटेड क्यों हो रहे और उसे ब्रेन को कैसे बचाना ये मैं बता दूंगा। अब पहले इसका इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ब्राइट माइंड्स। ब्राइट में बी होता है ब्लड फ्लो, आर होता है रिटायरमेंट, आई होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन, जी होता है जेनेटिक्स, एच होता है हेड में चोट लगना, टी होता है टॉक्सिन्स और एम होता है माइंड, आई होता है इम्यूनिटी इन्फेक्शन और एन होता है न्यूरो हॉर्मोन्स, डी होता है डायबिटीज, एस होता है स्लीप इश्यूज। मान लो ब्लड फ्लो, अगर आम बंदे को भी देखें किसी किसी का ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होता है, किसी किसी का ज़्यादा होता है, ये कैसे? फंक्शनल MRI आप करके देखेंगे तो ब्रेन के अंदर हमें पता चल जाते हैं। मान लो कुछ लोगों को नॉर्मली बिहेव करते हैं, अगर हम उनका MRI करके देखेंगे उनके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसको फंक्शनल MRI होता है। क्यों ब्लड फ्लो कम हो रहे हैं? एक तो कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वेले बैठा होता है, सुस्त होकर बैठा होते, काम कुम नहीं करते, ये ऐसे लेसी लोग होते हैं, जो लेसीनेस बोलते हैं, जो लेसी होता है वो मोटा होता है, ओबिसिटी, ये सारे के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन BP वगैरह, इससे ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और उसके कारण इनको दौरा पड़ने का रिस्क होता है। मतलब दौरे का एक ट्रीटमेंट हम मान सकते हो, एक्सरसाइज करने से सीशर डिसऑर्डर में रिलीफ हो आ सकता है। ऊपर से रिलैक्स करना है ब्लड वेसल्स को, कैसे रिलैक्स करें ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है। BP का मेडिसिन सारे दुनिया के डॉक्टरों को पता है, दौरे का मेडिसिन पता है, BP के कारण होते हैं ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होना, इसको रिलैक्स करने का तरीका कोई नहीं बताते। सिंपल लंबा सांस खींचने से रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन फ्री रहने से, स्ट्रेस फ्री रहने से रिलैक्स हो जाते हैं, कॉफ़ी चाय बंद करने से रिलैक्स हो जाता है। कुछ ज़्यादा सुस्त है तो लोग कॉफ़ी पीता है, पर लगातार कॉफ़ी पीने से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, इनिशियली ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, होले होले ब्लड फ्लो को कॉम्पनसेट करने के लिए ब्लड वेसल अपना साइज थिकन हो जाते हैं और कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाद में लंबा टाइम में प्रॉब्लम हो जाते हैं, टेम्पररी एनर्जी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो इसलिए ये सारे टॉक्सिन्स अवॉइड करना है, जैसे कॉफ़ी टी, और आपको एक्सरसाइज करने के साथ योगा मेडिटेशन, सांस खींचना, रिलैक्स होना, ये करना है। अब रिटायरमेंट का मैं बता दूंगा, ब्राइट का दूसरा आर। रिटायरमेंट क्यों होता है? लोग लेसी होने का अलग एक तरीका होता है रिटायरमेंट, पढ़ाई छोड़ना, काम छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना, रिलैक्स करना, इतना रिलैक्स होना कि काम ही नहीं करना। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ना ज़िंदगी में पढ़ना बंद कर देता है, एक डिग्री मिल गया आज से मैं दिमाग इस्तेमाल करना बंद किया। दिमाग इस्तेमाल करना बंद करने से अल्शिमस डिसीज होता है। अल्शिमस डिसीज का एक कारण होता है कुछ नहीं दिमाग यूज़ करना। एक नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया, साइन करना साइन करना, ये साइन करने वाला नौकरी में दिमाग यूज़ करना बंद करेंगे, दिमाग का ब्रेन का ग्रोथ फंक्शन ढीला हो जाता है। तो इसके कारण ब्रेन में अल्शिमस डिसीज जैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जिनका IQ लो है उनमें कंकरेंटली सीशर डिसऑर्डर इसलिए हम दिखता है, जिनका IQ लो है। तो इसका एक और है इन्फ्लेमेशन। खाने में सूजन क्रिएट करने वाला कोई भी खाना आप ज़्यादा खाएंगे, लॉन्ग टर्म में हार्ट के साथ साथ ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सिंपल फंडा है, सूजन वाला खाना खाइए। फ्यूल, फ्यूल होता है फैट और ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ से मिलते हैं? अनाज में, सीरियल्स। सीरियल्स में क्या होते हैं?
इधर ना पंजाब में इतने बड़े बड़े पराठे खाते हैं, वो पराठे के अंदर क्या है, आलू, आलू भी कार्बोहाइड्रेट है, पराठे भी कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मक्खन, वो मक्खन क्या है, फैट है। इसमें आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का चीज़ें कट है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला चीज़ें नहीं है, जैसे वेजिटेबल्स हो गया आलू के अलावा, नट्स हो गया, ऑयल, प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल होता है, जैसे राइस ब्रान एंटी इन्फ्लेमेटरी, सीसम ऑयल, कच्चा गनी ऑयल, कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल, ये सब नहीं यूज़ करते, रिफाइंड ऑयल यूज़ करता है। ये सारे चीज़ें होते हैं इन्फ्लेमेटरी में, आता रहता है मिल्क प्रोडक्ट, वो इन्फ्लेमेटरी है। इधर तो लीटर लीटर दूध पीता है, एक लीटर दूध, दो लीटर दूध, इधर छोटा छोटा ग्लास होते हैं साउथ इंडिया में, तो पंजाब में क्या होते हैं, बाल्टी बाल्टी, बड़े 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 बाल्टी भर के लोग दूध पीते। तो क्लोरीन का पानी, वो इन्फ्लेमेटरी है, क्लोरीन से कीड़ानु मर जाता है, बहुत लंबा टाइम हम देंगे तो हमारे बॉडी में भी डैमेज हो जाते हैं। मैदा, केमिकल, मैगी, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, ये सारे इन्फ्लेमेशन होते हैं, मतलब जो भी चिट्टा खाना है आपका शरीर में सूजन हो जाते हैं, ब्रेन के लिए हानिकारक है। सेम इसको उल्टा, जो भी कलर वाले खाने, आर्टिफिशियल कलर नहीं, कल जाके लड्डू बेकरी ना खा जाए, आर्टिफिशियल खाना जो होता है वो नहीं बोल रहा, नेचुरली जो रंग बिरंगी होता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, चुकंदर हो गया, कैरेट हो गया, ये सब ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव होता है। अगला होता है जेनेटिक, कुछ लोग जेनेटिकली सीशर टेंडेंसी होता है, डायबिटिक का टेंडेंसी हो गया, बीपी का टेंडेंसी हो गया, जेनेटिक टेंडेंसी किसी किसी में हो जाता है, ये बीमारियों का, थायराइड का, किसी किसी छोटे छोटे बाद में मोटा हो जाते हैं, छोटे छोटे बाद में थायराइड हो जाते हैं, वो इनका जेनेटिक टेंडेंसी भी अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, ये भी आप बंद कर सकते हैं काफ़ी हद तक। है ट्रॉमा, अब रिसेंट होता है कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे ये फुटबॉल उठा के सिर में फुटबॉल खेलना, वो डेंजर है। आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, ये क्रिकेट जो होता है सिर में चोट लग जाते हैं, फुटबॉल में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, अब सोच भी नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में देखो, मोहम्मद अली एक बॉक्सर था, बाद में वो बेवकूफ बन गया, उधर दिमाग में ऐसे ऐसे हो गया, तो ये चोट जो बचपन में खाता है बच्चा, बार बार बिस्तर से गिरते, चलो एक आधी बार तो हो जाते हैं, बार बार बिस्तर से गिरना, छोटे छोटे बच्चे जिनका हेड फ्लैट हो जाते हैं, ये रिस्क होता है, पर इसमें आप बाकी चीज़ें ठीक करेंगे तो ये रिस्क कम हो जाता है। बार बार चोट खाने नहीं देना। टॉक्सिन्स तो मैंने बता दिया, इस टॉक्सिन से कुछ और टॉक्सिन्स मैं बता दूंगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत बार प्लास्टिक का बोतल से ही पानी पीने जा रहे, ये बाहर जो रखा है दुकान में, गर्मी में आपको पीना चाहता है, बाहर रखा हुआ बोतल है, कितना महीनों से बाहर है, इसके अंदर प्लास्टिक पिघल जाता है, प्लास्टिक इज़ डेंजरस, प्लास्टिक बार बार माइक्रो प्लास्टिक बन के अपने ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते, बाद में पंगा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट आजकल का बहुत कॉमन है कि बच्चे लोग गुस्सा, माइंड, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेसेंट मीन कि आपको पागल होना है, वो हर लेवल पे शुरू हो जाते हैं, छोटा छोटा गुस्सा जिद करके, ये बच्चे लोगों का जो ये जो बाहरी जिंदगी का जो एटीट्यूड होता है, चीज़ों के पीछे भागना, चीज़ों से बच्चा बिगड़ जाता है, गोदी से नहीं बिगड़ते, प्रॉपर प्योर प्यार से और रब नाम से बिगड़ते नहीं है, पर चीज़ों से बिगाड़ के रखा है बच्चों को, गुस्सा, तोड़फोड़, लॉन्ग टर्म में ये जो अग्रेशन है, हाइपर स्टिमुलेटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, ये सारे ट्रिगर कर सकते हैं सीशर को। एक बेसलाइन बिहेवियर अगर शांत वाला नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वन ऑफ द ट्रिगर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कारण है, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बार बार ब्रेन में इन्फेक्शन होगा, नियोनेटल सेप्सिस, बच्चों में छोटे होते इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, कुछ बच्चे को वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी दौरा पड़ सकते हैं, स्पेशली डीपीटी वाले, ये इम्यूनिटी का कमी के कारण ये बार बार बीमार हो जाता है, तो इसी में भी हो सकते हैं। आजकल हार्मोन प्रॉब्लम होता है, जैसे जानवर का दूध पी लिया, ये जो केमिकल से हम जो अंग्रेजी दवाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा खा रहे, पैरासीटामोल ले ही जा रहे, ऐसे लॉन्ग टर्म में इसका डैमेज स्टडी उतना नहीं हुआ, पर डेफिनेटली ये एंडोक्राइन सिस्टम को हार्म करके, एंडोक्राइन सिस्टम का प्रॉब्लम विल लीड टू न्यूरो एंडोक्राइन डिसीजेस, ये न्यूरो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ब्रेन को सीशर डिसऑर्डर, आरसीओएस, ये सारे में ब्रेन में डैमेज हो सकता है। डायबिटिक टेंडेंसी, ओबेसिटी, मोटापा, ये सारे एक रिलेटेड है, ये सब भी मैंने बता दिया। खाने का चेंज आपको करना है, एंड स्लीप इशू, ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज है, बच्चे लोग जो 9 बजे 9:30 बजे अगर नहीं सोएंगे, लॉन्ग टर्म में ब्रेन में रिपेयर नहीं होते, ब्रेन में डैमेज हो सकते हैं।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको सारे कुछ बंद करना होगा, जलेबी बूंदी का लड्डू कुरकुरे मसाला चिप्स फैंटा ये फ्रूटी जूस ये केमिकल वाले चीज़ें, घर में जो पेंट यूज़ कर रहे हैं, वार्निश यूज़ कर रहे हैं, मॉस्किटो स्प्रे, ये जो रिपेलेंट्स होते हैं, गुड नाइट हो गया, ये जो अगर घर में सीशर डिसऑर्डर है तो पक्का बंद करना है। बच्चे को एक बार बुखार के टाइम पे भी दौरा पड़ गया, इन्फेक्शन टाइम पे भी दौरा पड़ गया, ये सारी चीज़ें बंद करना, ये गंद बंद सारी चीज़ें, ये जो लोग बोलता है नेल पॉलिश यूज़ करता है, ये कुकिंग स्मेल है गैस, ये सारे को चेंज करना है। इससे मतलब किचन में बच्चे को जाने नहीं देना। ये जो लोग मान लो बहुत सारे हवन करता है कपूर, ये तो फिनोलिक कॉम्पाउंड से ये इसमें स्टिमुलेट कर देंगे, जैसे वाइट पॉइसन्स हो गया, जैसे मैंने बोला ना चिट्टा खाना, जैसे समंदर सी सॉल्ट, ये टाटा वाले सॉल्ट, क्लोरीन, मैगी, मैदा, वाइट राइस, ये सारे कम करना है। अल्यूमिनियम का बर्तन है, ये भी अनदर ट्रिगर है, एक अंडा प्रो इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। ये सारे चूइंग गम, बबल गम, पेस्टिसाइड, प्रोसेस्ड फूड, पिकल, ये सारे कुछ बंद करना है। अब इसका सोल्यूशन भी मेरे को बताना है। सोल्यूशन देखो, आपको खाने का परसेंटेज चेंज करना है। मान लो एक छोटा सा प्लेट ले लिया, उसको चार हिस्सों में बांट लिया, एक हिस्सा अनाज, एक हिस्सा दाल, एक हिस्सा वेजिटेबल आलू के अलावा और हरे पत्ते, और एक हिस्सा नट्स और फ्रूट्स, इसे चार हिस्सों में, नट्स फ्रूट फ्रूटा नट्स एक हिस्से में, एक हिस्से में वेजिटेबल आलू के अलावा, एक हिस्से में आपको दाल देना है, एक हिस्से में मिलेट्स एंड सीरियल्स अनाज जो होता है, ठीक है। उसमें वाइट राइस और मैदा वगैरह कम ही रखना है, ठीक है। तो और अगला आपको ये मैंने बोला ब्रेन प्रोटेक्टिव फूड क्या क्या होता है। जो बच्चे फास्टिंग भी कम खाना खाना है पर हाई क्वालिटी खाना, स्प्राउट्स खा सकते हो, ठीक है। आप पानी अगर पिलाना है हर्ब्स डाल के पानी पी सकते हो, जैसे तुलसी हो गया, हल्दी हो गया, टर्मरिक जो होता है, दालचीनी, ब्लैक पेपर, लौंग हो गया, ब्रह्मी हो गया, ब्रह्मी ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव है, गिलोय हो गया, ये सारे। नट्स में आप फ्लैक्स सीड्स हो गया, ठीक है, और नमक में समुद्री नमक यूज़ कर लो। हमारे आप स्प्राउट खून बनने के लिए लोहे का कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और खून बनने से भी ब्रेन का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्रेन का प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी प्रो इन्फ्लामेटरी फूड्स मैंने बताए, एंटी इन्फ्लामेटरी कलर वाले, ये देख लेना, ये दोबारा ये वीडियो देख लो, इसको फिर आप रिवाइज कर लेना, और आपको कोई डाउट है तो इसमें कमेंट कर लेना।